तो वास्तुशास्त्र से शुरुआत करते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लैंड की। हम लोग जगह के अंदर की बातें तो बहुत सारी कर लेते हैं, हम लोग जगह की इम्परफेक्शंस की बातें तो बहुत सारी कर लेते हैं। इसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, इसके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, इसके ईस्ट में दिक्कत है, इसके वेस्ट में दिक्कत है, एंड सो ऑन। लेकिन एक सशक्त वास्तु कंसल्टेंट को सबसे पहले ध्यान होना चाहिए लैंड का, धरती का। कोई भी जगह पर जब आप वास्तु करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उसकी भूमि को देखो। उस समय पर लैंड सिलेक्शन करते समय किसी भी जगह की आप लोगों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लैंड सिलेक्शन में जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए, जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती हैं स्पेसिफिकली उनके लिए, कि जब भी आप लैंड किसी व्यक्ति को अक्वायर करके दें तो वो लैंड या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो या स्क्वायर फॉर्म में हो। इसका मूल मकसद क्या है कि जो उसके कोने हों वो 90 डिग्री के हों। अगर उसके कोने 90 डिग्री के नहीं होते तो उस व्यक्ति को लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। बिकॉज रेक्टेंगुलर लैंड गिव्स यू ऑल सिद्धीज एंड स्क्वायर लैंड गिव्स यू ऑल वेल्थ। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता तो हमारे पास स्ट्रिप सर्जरी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम उसकी लैंड को हमेशा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किसी का कोना बड़ा हुआ है, किसी का घटा हुआ है, या व्हाटएवर जो भी है, हम लोगों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि उसकी जो कॉर्नर्स हैं चारों वो 90 डिग्री के हों तो वो सबसे बेस्ट रहते हैं जब भी हम किसी की लैंड सिलेक्शन के लिए जाते हैं। दूसरी चीज, जब भी लैंड सिलेक्शन के लिए जाएं तो वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश में स्लोप्स को सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है। जो ढलान होती है, स्लोप्स होती हैं, उनको सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है। यकीन मानिए, अगर किसी व्यक्ति की स्लोप्स गलत हैं उसके लैंड की, उसके घर की, उसके बिजनेस की, तो मैंने अपने जितने भी साल का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में ये चीज पाई है कि उस व्यक्ति का विनाश तो तय है। 5 साल सर्वाइव कर जाएगा, 10 साल कर जाएगा, इससे ज्यादा ना करता अगर स्लोप में कोई दिक्कत है तो। योर स्लोप शुड बी ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ डाउन एंड साउथ अप, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो हमारी धरती है वो 22.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। सुबह जब पहली किरणें सूर्य की पड़ती हैं तो सारी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं उन सूर्य की किरणों से, और जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढलान होती है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ डाउन एरिया होता है तो हमारे बिल्डिंग में सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है वो 22.5 डिग्री के टिल्ट की वजह से। और जब वही चीज उल्टा हो जाती है, साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ चल जाती है, अब साउथ वेस्ट के जो वहां पर आप देख रहे हैं नेतृत्व कोण में जो उनके लॉर्ड देवता हैं, वो बेसिकली देवता नेतृत्वी जो है वो राक्षसनी है। जितनी भी घर में आपके नेगेटिव एनर्जीज आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट के असंतुलित होने की वजह से आएंगी। जो व्यक्ति ये कहते हैं ना जी हमारे ऊपर तो काला जादू बहुत होता है, हमारे ऊपर भूत प्रेत बहुत ज्यादा हमारे घर में आते हैं, हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट इंबैलेंस होने की वजह से होता है। और उसका मेजर इंबैलेंस ये है कि वो डाउन होता है या हल्का होता है। तो जब लैंड सिलेक्शन करें तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि या तो आप उस लैंड को लेवल कर पाओ, स्लोप बना पाओ। अगर खाली लैंड है कोई बात नहीं, एक बार के लिए ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बना बनाया घर ले रहे हो, बनी बनाई बिल्डिंग ले रहे हो, अगर उसकी स्लोप्स में दिक्कत है और आप चेंज नहीं कर सकते तो इट्स अ बिग नो। और लैंड सिलेक्शन के साथ साथ जब हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, ये स्लोप्स की, तो स्लोप्स में इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा रूफ्स ऐसे होती हैं। जब रूफ इक्विवेलेंट साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ ऐसे होती है तो इट्स परफेक्टली फाइन, डोंट वरी। फिर भी आपकी एज अ वास्तु कंसल्टेंट कोशिश होनी चाहिए कि साउथ की तरफ वो स्लोप कम हो और नॉर्थ की तरफ ज्यादा हो, या वेस्ट की तरफ कम हो ईस्ट की तरफ ज्यादा हो। अगर किसी फैक्ट्री की गलती से उल्टी स्लोप बनी हुई है तो आपको उसको रिकरेक्ट कराना ही पड़ेगा, नहीं तो नीचे जितना मर्जी वास्तु कर लो कोई फायदा नहीं है। स्लोप्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, बींग इट ऑन योर फ्लोर ऑन लैंड, बींग इट ऑन योर रूफ, और बींग इट ऑन एनी वेयर इन द प्रेमाइसिस, स्लोप्स मैटर अ लॉट। स्लोप्स के बाद आपको यह ध्यान रखना चाहिए
कि नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आपकी बिल्डिंग से डेढ़ गुना हाइट से बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। सपोज करिए कि आपने प्लान किया कि आप बिल्डिंग बनाएंगे 20 फीट ऊंची, तो अगर कोई भी सामने नॉर्थ में या ईस्ट में 30 फीट या 30 फीट से ऊंची बिल्डिंग्स हैं, अवॉइड दैट लैंड, नहीं लेनी है हमें। वास्तुशास्त्र के इन नियमों का पालन कर लोगे तो 90% इम्परफेक्शंस तो ऐसे ही हट जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति के साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ कोई खड्डा, कोई पॉन्ड, कोई लेक आ जाती है, कोई वाटर बॉडी आ जाती है, तो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड दैट लैंड। और अगर ये दोनों चीजें उल्टी हो जाती हैं, जैसे कि साउथ या वेस्ट की तरफ अगर बिल्डिंग्स ऊंची हो जाती हैं और नॉर्थ या ईस्ट की तरफ कोई पॉन्ड, लेक, खड्डा या डाउन प्रॉपर्टी आ जाती है, तो इट्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। आपने एक जमीन ले ली नहर के किनारे, एक बंगला बनाएंगे सुंदर सा, फार्म हाउस बनाएंगे सुंदर सा, लेकिन उसकी साउथ की तरफ अगर नदी जा रही है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। कोई रेमेडी नहीं है, जितना मर्जी मैं कह दूं आपको ब्रास से काट दो, कॉपर से काट दो, नो, कोई रेमेडी नहीं है, सीरियसली कोई रेमेडी नहीं है। जब तक उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती, यानी कि कोई और बिल्डिंग नहीं आती, तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। इसका मूल कारण क्या है? देखिए, आप यहां पर आए हैं एक्चुअल में वो मूल कारणों को सीखने के लिए। जो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से ऊर्जाएं, सौर्य की ऊर्जाएं यानी कि सूर्य की जो एनर्जीज आती हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती हैं। और जो साउथ या वेस्ट की तरफ से सूर्य की किरणें आपके घर के अंदर आती हैं, बिल्डिंग के अंदर आती हैं, वो आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज आपके घर को देती हैं। ये मेजर रीजन है इसके पीछे। हम लोग ट्रीज कहां लगाते हैं? आपको पता है, मैं अपने क्लाइंट के घरों के वेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज लगवाता हूं, अगर नॉर्थ में होते तो हटवा देता हूं। वी शिफ्ट देम। और फिर क्लाइंट यूट्यूब से पढ़कर बोलता है, सर जी प्लांट्स तो नॉर्थ में लगाने थे, आप वेस्ट में लगवाई जा रहे हो, क्या कर रहे हो? वेस्ट में और साउथ में ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाने से जो सूर्य की किरणें, जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के अंदर दे रही हैं, वो उनको रोकती हैं। और ट्रीज तो किसी भी दिशा में हो सकते हैं, हम कभी मना करते ही नहीं है। हम तो ग्रीन कलर को या प्लांट्स को घर की चार दीवारी के अंदर मना करते हैं। क्या मैंने कभी मना किया है कि साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ लॉन नहीं हो सकता? हो सकता है, हमेशा कहता हूं कि हो सकता है। इसके लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि तीन तरह की ऊर्जाएं हैं। पहली सूर्य ऊर्जाएं, जो सूर्य से हमें मिलती हैं, जिसे हम सौर्य ऊर्जाएं कहते हैं, जो हमारे घर के अंदर या किसी भी बिल्डिंग को इफेक्ट करती हैं। दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जीज, जिसमें सबसे बड़ी एनर्जी आती है ग्रेविटेशनल पुल। किसी चीज को ऊपर फेंकते नीचे आ जाती है, क्या है ये? ग्रेविटेशन। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए भाई? बीम के सिर पर गिरता है वो ग्रेविटेशनल पुल, जो उस जगह का है, वो बीम की एनर्जी को आपके सर के ऊपर हैवी कर देता है और आपकी एनर्जीज को सप्रेस कर देता है। इसलिए कभी भी बीम के नीचे बैठना नहीं चाहिए, इसलिए कभी भी बीम के नीचे सोना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल एनर्जीज। थर्ड आर कॉस्मिक एनर्जीज, जिन कॉस्मिक एनर्जीज में ये पंच तत्वों का संतुलन बिठाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक आप लोग सिर्फ कॉस्मिक एनर्जीज पर ही मेजर वर्क कर रहे हो, ना तो आप सूर्य की ऊर्जाओं के ऊपर वर्क कर रहे हो, ना आप ग्रेविटेशनल एनर्जीज के ऊपर, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जीज कह देते हैं, उनके ऊपर भी नहीं वर्क कर रहे हो। सिंपल है ना भाई, उड़ते क्यों नहीं है हम? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका मतलब एनर्जी तो है धरती में, इतना तो फाइनल हो गया। बॉल ऊपर फेंकी नीचे आई, हम बैठे हैं, उड़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उड़ रहे हैं? हमारी धरती के अंदर ऊर्जाएं हैं, और उन ऊर्जाओं के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए टॉप नॉच वास्तु कंसल्टेंट, ये वो राज हैं जो आपको बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा सर बड़ी बेसिक सी चीजें बताई जा रही हो कोर्स में, लग रही है ना बड़ी बेसिक चीजें, है तो बेसिक ही, लेकिन हम इन बेसिक्स को छोड़कर बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि इन चीजों को किताबों में बंद रख दिया गया है, या ऐसे कई ग्रंथों को हमारे अंग्रेजों ने जला दिया था, उनको दोबारा से विधियों से, इंट्यूशन से संजोया गया कि क्या क्या चीजें हैं, उनके ऊपर काम किया गया। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। हम उसके आगे थोड़ा एडवांस में ज्यादा जल्दी चले गए, लेकिन पहले मूल के साथ, आज पहला दिन है तो मूल के साथ जुड़ेंगे। तो जब लैंड की सिलेक्शन करनी है,
ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई इंडस्ट्री का वास्तु करने के लिए जाओ, अगर उस इंडस्ट्री में साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ उसने कांटेदार तार बांधी हुई है और वहां पर दीवार नहीं है, तो वो इंडस्ट्री में 1000% महादोष है। उसको बोल दो कि भैया यहां पर ऊंची दीवार खड़ी कर पहले। साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ ऊंची दीवार होनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री में। करते हैं ना कई इंडस्ट्री वाले कांटेदार तार बांध देते हैं और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ दीवार कर देते हैं। नॉर्थ और ईस्ट की दीवार हमेशा छोटी होनी चाहिए, साउथ और वेस्ट की दीवार हमेशा ऊंची होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। भारी पत्थरों से हम लोग दीवारें बनाते हैं, उस तरीके से होनी चाहिए। स्लोप्स इसीलिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जब भी कोई हम शेप की बात करते हैं, तो जो भी जमीन इक्वली लेवल्ड होती है लेंथ और ब्रेड्थ में और सेंटर भी उसका बिल्कुल लेवल में होता है, उसे हम कहते हैं भद्रपीठ। ऐसी जमीन को हम कहते हैं भद्रपीठ, विच इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। मंदिरों के लिए जनरली ऐसी जमीनों का इस्तेमाल किया जाता है। लैंड सिलेक्शन के टाइम पर हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, मैं हमेशा कहता हूं कि जो लैंड होती है ना, स्क्वायर कम ही हो तो ठीक है, क्योंकि वो मंदिरों के लिए सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। सबसे ज्यादा चढ़ावा भी मंदिरों में चढ़ता है, वेल्थ भी सबसे ज्यादा मंदिरों के पास है, तो स्क्वायर लैंड हम मंदिरों के लिए छोड़ देते हैं। हमारे लिए रेक्टेंगुलर लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.25 की रेशियो में अगर हमारी लैंड होती है तो सबसे बेस्ट रहती है, 1:1.25। इसमें भी एक चीज छुपाई गई है, नॉर्थ टू साउथ एक्सिस अगर 1.25 होगा विद रेफरेंस टू ईस्ट टू वेस्ट, दैट लैंड इज कॉल्ड चंद्रवेद एंड दैट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। जैसे कि मान लीजिए कि ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 feet, तो जो नॉर्थ टू साउथ है वो हो गई 12.5 feet, 1.25 times। अगर आप कोई ऐसी लैंड लेते हैं, अब ये चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज के जमाने में ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्पेस सर्जरी टेक्निक से जब हम दो सेंटर्स करते हैं, जमीन को काटते हैं, तब तो पॉसिबल है, वी कैन डू एवरीथिंग। 1.25 कैसे, नॉर्थ टू साउथ हमेशा बड़ा, ईस्ट टू वेस्ट छोटा, दोज लैंड्स आर वेरी वेरी ऑस्पिशियस।